मेरे पास होंडा या भी गाड़ी है इनिकॉन, ये गाड़ी का जो स्पीड होता है 40 के आसपास स्पीड होता है पूरा फुल एक्सीलेटर देने से। अभी मैं रास्ते में गाड़ी चला रहा हूँ तो उसका प्रॉब्लम अभी जो है इसका आपको बाद में बताता हूँ, पहले आपको चला के दिखाता हूँ। मैं अभी गाड़ी में गाड़ी गियर में डाल दिया हूँ, देखिए चला रहा हूँ और जो स्पिरिट अभी गाड़ी का गियर भी चेंज करूँगा। देखो सिक्का कार्ड इधर गाड़ी का पूरा स्पिरिट है, देखो गाड़ी का जो लिंक देखे इधर भी देखिए और मेरा हाथ भी देखिए। दोस्तों अभी देखो होंडा यूनिकॉर्न जो पिकअप नहीं पकड़ रहा था, जैसे आपको बताया था मैंने वो वीडियो, क्या गाड़ी का जो 40 का ऊपर है स्पीड नहीं भाग रहा था काटा। अभी इसका जो प्रॉब्लम है मैंने वो क्या चीज़ प्रॉब्लम है आपको बता रहा हूँ वीडियो के अंदर। अभी सोच रहा हूँ कि मैंने टाकी क्यों ओपन किया हूँ, क्योंकि दूसरा भी कुछ काम है इसलिए मैंने टाकी ओपन किया। उसके स्वाट कार्ड में जो काम होता है जैसे हो जाता है, नहीं तो कार्बोरेटर खोलने के लिए सब चीज़ ओपन करना पड़ता है। अगर आपको खाली स्लेट डालना है तो इसको आपको ऊपर टाकी ओपन करोगे तो बहुत इजी से बाहर आ जाता है। अभी आपको बताता हूँ कि गाड़ी के अंदर जो पिकअप होता है उसका क्या प्रॉब्लम है। अभी आप देख लीजिए कार्बोरेटर का, ये देखो ऊपर का मैंने ओपन किया हूँ, किस्ती ओपन किया हूँ आपको भी दिखा दे रहा हूँ मैं। ये देखिए कार्बोरेटर जो है तो होता है स्लेड उसको बोला जाता है, तो ये स्लेड मैंने खोल चुका हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कटा हुआ, ये भी कटा हुआ है थोड़ा से, इतना नॉर्मल कटा हुआ रहता तो चलता है, पिकअप प्रॉब्लम नहीं देता है। अब ज़्यादा करके इसमें आपको रबड़ दिखा दे रहा हूँ, अभी लबाड़ दिख नहीं रहा, कटा हुआ आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ कटा हुआ है। ये देखिए ये जो लबाड़ है ये कटा हुआ है। ये कटने की वजह से जो पिकअप हो रहा था पिकअप के अंदर प्रॉब्लम दे रहा था। इसका जो क्लच पेड था अच्छा था, तभी कोई भी सोचता है कि जो क्लच पेड होता है क्लच पेड के जैसे भी उसे पिकअप प्रॉब्लम देता है। मतलब ये गाड़ी के अंदर वापस रिपीट कर रहा हूँ, गाड़ी जो स्पीड नहीं चल रहा था उसका प्रॉब्लम है। देखिए पूरा से कटा हुआ है स्लेट, इसलिए गाड़ी में पिकअप नहीं मिल रहा था। और ऐसे कटा हुआ पिकअप और स्टार्टिंग प्रॉब्लम दोनों देता है। इसको आप खोल के पहले एक, अगर पिकअप प्रॉब्लम हो रहा है या स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है, गाड़ी स्लो नहीं रुक रहा है, सबसे पहले आपको इसको ओपन करके देख लेना चाहिए। अभी मैंने ओपन पहले यही मैंने किया, अभी देखो क्लच पेड मैंने कुछ भी जैसे ये सब चीज़ ओपन नहीं किया है। अभी जब प्रॉब्लम आता मेरे पास कोई भी गाड़ी से होंडा यूनिकॉर्न होंडा साइन पल्सर है बुलेट है, सबसे पहले मैं ये ओपन करके देखता हूँ कि कटा हुआ है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गाड़ी का कटा हुआ रहता है, दूसरा कुछ प्रॉब्लम रहता है। आप सोचते हैं दूसरा कुछ प्रॉब्लम जैसे अलग अलग प्रॉब्लम रहेगा, ऐसे नहीं होता है। आप पहले सबसे पहले आप लोग का तरीका अलग है, हमारा तरीका अलग रहता है। तो मेरा तरीका यह है कि कभी भी ये गाड़ी का पिकअप स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो देता है तो मैं ओपन करके देखता हूँ। अभी देखा तो नतीजा क्या निकला, ये देखिए कटा हुआ है। अभी इसका जो कट जाता है ये चीज़ कटता है तो ये क्या करता है, हवा ऊपर चलता है, जिसका हवा होता है पास हो जाता है। पास होने के बाद जैसे जैसे कटा हुआ है इसके ऊपर जो जैसे इसमें रहता है हवा, जो हवा वो जो खींचता है जैसे इसके अंदर हवा जब देता है तो अभी इसको ऊपर करता है। अगर कटा हुआ रहता है तो अब वापस मैंने आपको डबल रिपीट कर रहा हूँ। आप सोच रहे हैं सर बहुत बकवास करते हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अभी किसी को समझ में नहीं आता किसी को आ जाता है। ये गाड़ी के अंदर जो आपको बताया था कि चला के कि गाड़ी में पिकअप नहीं हो रहा था, तो इसका 100% इसका जो स्लेट होता है इसका प्रॉब्लम था, इसलिए गाड़ी का पिकअप नहीं अगर बाजार पिकअप नहीं ले रहा था। ये डाल देंगे इसका जो प्रॉब्लम होता है पिकअप का जो गाड़ी भागने उसका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो गया हुआ समझ लीजिए।
अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन घंटी दबाओगे नेक्स्ट वीडियो अपडेट करेंगे आपके पास इजी से पहुंच जाएगा। अभी देखिए नया मैंने लेके आया हूँ, इसका प्राइस लिखा हुआ है 478 रुपीज़ प्राइस लिखा हुआ है। अभी होंडा यूनिकॉर्न का है, देखिए होंडा लिखा हुआ है, ओरिजिनल पार्ट है। अभी इसका जो पैकेट होता है, पहले अलग टाइप आ रहा था, अभी देखो अलग टाइप पैकेट आता है इसका। इसमें जो पैक हुआ है देखो अलग टाइप पैक हुआ है इसका। इसका जो प्राइस जो है वापस रिपीट कर रहा हूँ, वापस देख लीजिए। अगर समझ लो आपके पास आपके इधर अगर नहीं मिल रहा है ये पार्ट जिसे सेलेक्ट, तो आप हमारे पास आपका एड्रेस अगर भेजेंगे तो मैं आपको पार्ट एक कोरियर से भेज सकता हूँ। कोरियर का चार्ज आपको देना पड़ेगा और इसका पार्ट का जो है ये पैसा देना पड़ेगा। आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे पास ऐसे कमेंट आता है, बहुत सारे कॉल आता है, बोलते हैं सर हमको ये पार्ट नहीं मिल रहा है तो भेज दो, और इसलिए मैं आपको ये वीडियो के अंदर बता दे रहा हूँ, आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपके इधर अगर ये पार्ट नहीं मिला जिसको बोला जाता है सेलेक्ट, आपके इधर अगर कोरियर आता रहेगा तो मैं कोरियर से आपको ये भेज सकता हूँ। अब कोरियर का चार्ज और इसका जो पार्ट का चार्ज आता है वो आपको देना पड़ेगा। अभी ऑपर को उसको ओपन कर रहा हूँ मैं, ये देख लीजिए ओपन हो गया हुआ है। अब इसको पहले अलग पैकेट में, अभी अलग पैकेट में आ रहा, देखिए ये निकल गया हुआ है। इसके अंदर देखिए ये लगा हुआ है, सब लबड़ लगा हुआ है। इसके अंदर जो अंदर का आता है छोटा से पिन, वो पिन जूना वाले को पिन खोल के लगाना पड़ता है। इसको खोलने का तरीका आपको बता दे रहा हूँ। उसमें आपको अंदर देखो दिख रहा होगा चार मुँह के चार स्टार बना हुआ प्लास्टिक का है। इसको आप घुमाओगे, घुमा के इसको अगर निकल जाता है, इसमें छोटा सा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का ध्यान देना चाहिए, गिरना नहीं चाहिए। आप उसको निकाल के फिर बाद में इसको स्लेट इसे इधर करोगे तो स्लेट ये जो होता है स्लेट का जो पिन बोला जाता है इसको पिन बाहर आ जाएगा, फिर आप इसमें नया में लगा सकते हो। नया नया कोई बंदा अगर खोलने जा रहा है उसको बोल उसका समझ लो लगाने का तरीका कभी भूल गया, कभी याद नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसको लगाने का तरीका ये है, दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देखिए यहाँ से देखिए आपको दिख रहा होगा, यहाँ एक गेप बना हुआ है, गेप के अंदर ये बैठता है ये देखिए, और फिर बाद में इसके ऊपर एक स्प्रिंग आता है, फिर इसके ऊपर कवर आता है इसका, वो भी बता दे रहा हूँ कवर कैसे लगाना चाहिए। अभी जो लगाने का तरीका है, आप इसको ऐसे भी लगाओगे लग जाएगा, मतलब आपको ऐसे नहीं लगाना है, आपको ऐसे लगाना है। इसका जो मार्किंग होता है देखिए यहाँ भी और इधर भी देखिए, ये देखिए ये जो साइड में इधर हल्का से बना हुआ है वही साइड में ये कवर को बैठाना चाहिए। आप ऐसे नहीं बैठाना चाहिए, इसको ऐसे बैठाना चाहिए। सोच रहे होंगे अभी इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ इसमें कि ये देखिए पूरा बराबर अच्छे से बैठ गया हुआ है, ये अच्छे से बैठ गया हुआ है। आप सोचोगे अभी क्लीन, इसको अच्छे से सफ़ा करना चाहिए, ये कमांड हमारे पास आता है। अभी ये देखिए मेरा हाथ एकदम सफ़ा है, देखिए अभी इसके ऊपर ऐसे करेंगे, देखिए ये देखिए कुछ भी इसके अंदर मट्टी नहीं लगा हुआ है। नहीं तो आप सोचेंगे मट्टी, इसका जो कलर होता है इसे कलर ही है इसका,